ये सरकार तो गिरेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और अभी बहुत खेल बाकी है। ये मंत्रिमंडल का विस्तार क्या खाक करेंगे, जिस सरकार का मुखिया लाचार बेवश मजबूर हो, वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रस्ताव नहीं दिया। अब तो ये स्पष्ट हो गया ना कि बीजेपी पूरी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने चंगुल में रखी। बीजेपी ने मुख्यमंत्री तो बना दिया आदरणीय नीतीश जी को, लेकिन वो उनको उनका चलने नहीं दे रही है। दोनों हाथ जब्त करके दो दो डिप्टी सीएम बना दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़ और मैं हूँ शोम कुमार। बिहार में एक महीने हो गए हैं, एनडीए की सरकार बन चुकी है, लेकिन अभी तक मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो नहीं हुआ है। इसी सब सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। मृत्युंजय जी, अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, एक महीने सरकार को बने हुए भी हो गए हैं। देखिए, ये मंत्रिमंडल का विस्तार क्या खाक करेंगे, जिस सरकार का मुखिया लाचार बेवश मजबूर हो और अपने सहयोगी दलों के कृपा पर हो, वो मंत्रिमंडल का विस्तार अपने मन से, जो माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का विशेषाधिकार है, वो भी वो नहीं कर पा रहे। वो खुद कह रहे हैं कि बीजेपी ने प्रस्ताव नहीं दिया। अब तो ये स्पष्ट हो गया ना कि बीजेपी पूरी तरह से आदरणीय नीतीश कुमार जी को अपने चंगुल में रखी हुई है। तो देखिए, ये सरकार के अंदर खाने जो दल हैं, वो एनडीए में सभी दलों के अंदर अंतर विरोध बहुत ज़्यादा है। बीजेपी अपना एजेंडा लागू करना चाहती है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री तो बना दिया आदरणीय नीतीश जी को, लेकिन वो उनको उनका चलने नहीं दे रही है। दोनों हाथ जब्त करके दो दो डिप्टी सीएम बना दिया है। एक हस्ताक्षर भी मुख्यमंत्री जी बिना बीजेपी के आदेश पर नहीं कर सकते, एक कदम नहीं बढ़ सकते। ये सरकार कैसे चलेगी? डबल इंजन की सरकार में एक इंजन ट्रक का, एक इंजन स्कूटर का, ये चलेगी कैसे? तो उम्मीद है राजद को कि ये सरकार टूटेगी। देखिए, ये सरकार तो गिरेगी, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है और अभी बहुत खेल बाकी है। खरमास के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार होगा कि बिहार में तेजस्वी सरकार होगा, ये अभी कहना जल्दबाजी होगा। अच्छा, एक सवाल और है। कल कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें 15 एजेंडों पे मुहर लगी है, कोरोना वैक्सीन भी है उसमें और दूसरा 20 लाख रोजगार, कैसे देख रहे हैं? पहले यहाँ अपराधियों का तांडव तो रुक नहीं रहा है। कोरोना वैक्सीन पर भी राजनीति कर रही है सरकार, आईवास है 20 लाख रोजगार और कोरोना वैक्सीन। अभी कोरोना वैक्सीन आया कि नहीं आया, उसका दाम तय हुआ कि नहीं, कैसे मिले, ये तो हुआ तय नहीं। ये फ्री में देने का घोषणा भी कर रहे हैं। ये सिर्फ आईवास है और जुमला उसी तरह का है जिस तरह 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख खाते में देंगे, बाद में क्या कहा इन्होंने, जुमला साबित हुआ। इसीलिए ये सरकार, जिन्होंने कोरोना को नमस्ते ट्रंप के कार्यक्रम करा करके देश में फैलाया, वो अब वैक्सीन पर भी राजनीति कर रही है, जनता को मूर्ख बना रही है और 20 लाख रोजगार पर नौजवानों के साथ मजाक कर रही है। कह रही है हम 5 वर्षों में रोजगार देंगे और उस पर 10 लाख रोजगार के लिए लोन देंगे, 5 लाख माफ़ करेंगे, 5 लाख कर्ज वापस लेंगे। ये क्या कह रही है? सीधे 10 लाख सरकारी नौकरी पहले हस्ताक्षर से पहले कैबिनेट में देने का वादा था तेजस्वी यादव जी का। सरकार ये बताए कि जितने सरकारी पद रिक्त हैं उसको कब भरेंगे, ये नहीं बता रही है, लेकिन ये आईवास करने के लिए जुमलेबाजी कर रही है। चलिए, तो ये थे मृत्युंजय तिवारी, जिनका सीधे तौर पे कहना था कि कोरोना वैक्सीन को लेकर सरकार जो है वो बस जुमलेबाजी कर रही है। अभी तक कोरोना वैक्सीन नहीं आया है, ना उसका निर्धारित दाम तय किया गया है, लेकिन ये सरकार जो है फिर भी कह रही है कि हम फ्री में कोरोना वैक्सीन देंगे। ऐसे ही अपडेट आपको रिपब्लिकन न्यूज़ पहुंचाते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहां बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।